का नाम है स्टॉप। बोलो जोर से, बोलो स्टॉप। जोर से बोलो स्टॉप। एक गुरुकुल में, सीधा बैठो, गुरु कुछ सिखाते नहीं थे, एक ही काम सिखाते थे, स्टॉप। क्या सिखाते थे? स्टॉप। जब भी गुरु स्टॉप बोल दिया तो जो जो कर रहा है वहां खड़ा हो जाएगा, हिलना डुलना नहीं। जैसे मैं बोलता हूं ध्यान, तो ध्यान, ऐसे ही गुरु बोलते थे स्टॉप। और जितने सारे बच्चे अपने अपने जगह में स्टॉप हो जाते थे, कोई पानी ला रहा है तो ऐसे रह गया, कोई खुजली कर रहा है तो ऐसे रह गया, कोई नीचे कुछ उठा रहा है तो ऐसे रह गया, जो जैसा कर रहा है ऐसा रह गया। एक साल तक वही चला, 2 साल तक वही चला, 3 साल भी वही चला। क्या चला? तो बच्चा लोग, शिष्य लोग बोले, अरे क्या गुरु है, कुछ सिखाता नहीं है, जब भी देखो स्टॉप बोल देता है, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी ना मैथ ना साइंस, जब भी बोलो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, गच्छ लगाओ, बोलते रहता है, ऐसा गुरु है। तो लड़का लोग को डाउट हुआ, शायद गुरु को कुछ आता नहीं है इसीलिए कुछ सिखाता नहीं है। 4 साल हो गया, लेकिन क्या करे, कुछ छात्र भाग गए, जो लोग भागड़ा था भाग गया, भाग जाता है, कितने आए और कितने भाग गए, ये लटकी हुई है खेल। बाकी आते हैं 2-4 दिन, 1 साल 2 साल, फिर भाग गए, बहुत भाग गए। कुछ बच्चे रह गए 100 जैसे, 5 साल तक रह गए। तो सब बच्चों को बोला कि तुम लोगों का शिक्षा आज समापन होता है, तुम लोगों का परीक्षा है। क्या बोला? तुम लोगों का परीक्षा। सबको लेके चला, कहाँ गया? डैम के पास। और उधर से सब बच्चों को लेते लेते गढ़ा में खड़ा कर दिया, और उधर से बोला पानी छोड़ो। कौन? गुरु। कौन? गुरु। पानी छोड़ दिया गया। पानी आते 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 धीरे धीरे इतना पानी हुआ, तो कुछ छात्र कुछ शिष्य भगाना भगाना बोल के भाग, पानी 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 बोल के भाग। कुछ जो गुरु को मानने वाले थे रुके, कमर तक पानी हो गया। फिर कुछ छात्र बोले, बे साला पगला गुरु ही के मराए दी रहा, भागा यहां से। कुछ भाग गए, कुछ रहे 50 जैसे छात्र रहे। फिर पानी बढ़ने लगा, धीरे धीरे पानी इतना हो गया, तो कुछ छात्र फिर बोले, अरे साला हमको तो सोचा था कि हमको भगाएगा उठाएगा, पानी में खड़ा कर दिया है, स्टॉप बोल दिया है। 25 छात्र और दौड़ के भाग गए, धीरे धीरे पानी इतना तक उठा, नाक तक हो गया सब। और जो लोग डरू भीरू छेरू कापुरुष आलसी कामचोर था, वो लोग उठ आठ के भागा, बोला भागा बे मार दे गुरु। तब तक और 2-3 शिष्य रहे, 2-3 शिष्य का पानी यहां तक बढ़ने लगा, यहां तक बढ़ने लगा, कोई कप पानी पीने लगा, उठ ताट के भाग गया। 1 शिष्य रह गया, पानी धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर पानी ऊपर उठा, पूरा पानी फूल हो गया गढ़ा में, वो पानी के सब कोई ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, मोर गला बे मोर गला बे, ये पानी में डूब जा है, 1 घंटा हुई गलाक, 2 घंटा हुई गलाक, 1 दिन पार हो गया। सब बोल रहे हैं, गुरु को बोल रहे हैं, ढूंढो, बोला नहीं से रहने दो, अरे पगला गुरु 3 दिन हो गया पानी के अंदर है, अभी तक उठाया नहीं। सब कोई खड़ा होकर इंतजार करके बैठा। 3 दिन के बाद गुरु बोला, जाओ अभी उसको मूव मूव बोलने से लड़का पानी से निकल के आ गया। ठीक है, तो सब छात्र घूर के देखे, भाई भूत है कि ठीक है, ये मरुड़ के भूत होके निकला है कि वही है? नाम वही है, क्योंकि गुरु का बात को अक्षर अक्षर पालन किया था, इसीलिए हमको कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? 5 साल से जब भी गुरु स्टॉप बोलता था तो पूरा स्टॉप, सब कुछ बंद, हिलन डुलन नाक सांस सब बंद। उतना आदत कर दिया था कि बिना श्वास में भी जी सकते हैं। तुम लोग ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हम ध्यान बोले तो नाक बंद करके बैठे, वो गलत, वो साधना के लिए बहुत देर। और इसलिए पानी आया डूब के अंदर रहे, हमको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सब स्टॉप, खाना पीना हगना मुतना सब बंद। गुरु उसको आशीर्वाद दिए,
तुम्हारा मन के ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ, तुम परीक्षा में पास हुआ, ये पूरा गुरुकुल का मालिक आज से तुम, हम चला तुमको दे दिया। समझ में आ रहा है? बहुत सारे छात्र, बहुत सारे टीचर आते हैं, बोलते हैं आज्ञा हमार कथा तो छुआ मैंने मानबार नहीं। क्यों नहीं मान रहा है? तेरे में कमी है, तेरा एनर्जी लेवल हाई करो। इसलिए यहां पर गुरु भी साधना करते हैं, शिष्य भी साधना करता है। गुरु अगर ये बोल दे कि हम बहुत जानकार है, जानता है, तो खत्म हो गया। शिष्य से पहले गुरु लाइन में आके खड़ा रहेगा। गुरु में भी कमी है। गुरु खुद अगर कराटे करता नहीं, योगा करता नहीं, लाठी चलाता नहीं, धनुष तीर चलाता नहीं, ध्यान करता नहीं, योग निद्रा करता नहीं, पत्ता खाता नहीं है, दूसरे को बोलने से कोई सुनेगा? सुनेगा नहीं। सुने ऑर्डर से नहीं, प्यार से समझाना है। हमारा प्यार का कमी कहीं हो जाता है। बच्चे हैं हम, पहला अस्त्र चलाएंगे प्यार का, झेलेंगे, सहेंगे। मैं भी सहता हूँ, गलत किया सहता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, फिर थ्रेटनिंग देता हूँ, धमकी देता हूँ, नहीं समझा फिर डंडा चला देता हूँ। पहले एक दो डंडा से काम चलेगा, नहीं हुआ तो 5-10 डंडा मार के तोड़ता हूँ। मेरा कोई डंडा तोड़ मार देखा है कि नहीं देखा? हाथ उठा, कोई देखा है? कोई देखा है डंडा तोड़?